नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स न्यूज में। ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम को मिली चौथे वनडे मैच में करारी हार की सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा के रनआउट पर खुद रोहित शर्मा ने दिया है एक बड़ा बयान, तो जानेंगे पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया नीचे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें सबसे पहले। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कल चौथे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को किस रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा का विराट कोहली की गलती की वजह से अचानक से रनआउट होना माना जा रहा है। लेकिन अब रोहित शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में इस रनआउट को लेकर बयान देते हुए कहा है कि कल के मैच में विरोधी टीम का प्रदर्शन लाजवाब था, जिनके आगे हमारा बैटिंग लाइनअप कमजोर पड़ गया और हमें हार का सामना करना पड़ा। और जहां तक बात है मेरे रनआउट की, तो उसमें विराट कोहली की तो कोई गलती ही नहीं थी, क्योंकि मैं ही अपनी आधी से ज्यादा पिच पार कर चुका था और फिर मुझे क्रीज पर वापस आने का मौका ही नहीं मिला। और अपनी बात को खत्म करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि क्रिकेट की गेम में तो यह सब चलता ही रहता है। तो दोस्तों, यह था रोहित शर्मा का बयान, जिसने साफ कर दिया कि कल के मैच में रोहित शर्मा के रनआउट में विराट कोहली की कोई गलती नहीं थी, बल्कि टीम के हारने की वजह था भारतीय क्रिकेट टीम का कमजोर बैटिंग लाइनअप। रोहित शर्मा के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें सबसे पहले। धन्यवाद।